यहाँ पे डिवाइड आप देख रही है, डिवाइड में मैंने क्या क्या पता है, ये यहाँ पे 18 को 3 से डिवाइड किया और ये रिजल्ट आया 6। ऐसा जो डिवाइड पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मैथ में इसे कहते हैं टर्मिनेटेड डिवीजन, TD। ओके, टर्मिनेटेड डिवीजन। ऐसा जितने सारे ये डेसिमल हो या फिर डेसिमल डिवीजन हो या फिर आपका ऐसा नॉर्मल डिवीजन हो, तो आपको याद रखना होगा ये एक टर्मिनेटेड डिवीजन है। और ऐसा टर्मिनेटेड डिवीजन जिस नंबर को किया जा सकता है, ये देखो 18 को जैसे लिखा जाए 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए 18, ठीक है। 8 मतलब क्या है, मतलब वो है ये 6 जो आया, तो 6 इक्वल टू लिख सकते हो हम 18 अपॉन 6, मतलब ऊपर में 18 नीचे 6, तो रिजल्ट आता है 3, या फिर 18 अपॉन 3 इजिकल टू 6 आएगा, तो ऊपर में 18 नीचे 3, तो ऊपर में P नीचे Q, जो उस नंबर को P अपॉन Q आकार में लिखा जा सकता है, इसे कहते हैं रैशनल नंबर। तो 6 3 ये सारे एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि इसे जैसे अगर बोलते हैं 4 क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ जरूर 4 एक रैशनल नंबर है। क्यों, 4 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, 16 अपॉन 4 लिखा जा सकता है 4 को, ऊपर में P नीचे Q आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रैशनल नंबर। तो हो गया वो TD, टर्मिनेटेड डिवीजन। अब ये जो डिवीजन आपको ये मैं दिखाई दे रहा है एक नॉन टर्मिनेटेड रिगार्डिंग डिवीजन, क्योंकि 10 यू कांट डिवाइड 10 विथ 3, बिकॉज 10 रुपीज कैन नॉट बी डिवाइड अमंग 3 पीपल, एंड द डिविजन विल कम 3.33333 डॉट 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 डॉट, एंड दिस टाइप ऑफ डिविजन विल रिपीट, एंड सो दिस इज नाइदर इट इज टर्मिनेटेड, ना तो ये डिवीजन पूरी तरह डिवाइड होने वाला है, ना तो ये डिवीजन आपको बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिवीजन। आपको याद रखना होगा ऐसा जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिवीजन होता है, वो हम इसे किस तरह लिखते हैं हम थोड़ा आगे जाके आपको बताएंगे। और ये भी एक रैशनल नंबर होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, जो टर्मिनेट डिवीजन वाला नंबर होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन इस जो पिक्चर में आप देख रहे हो, एक नंबर मैंने लिखा है, देखो धीरे धीरे आ रहा है, ये मैंने लिखा है √2। √2 का वैल्यू अगर आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा ये वाला जो दिखाई दे रहा है 1.414213, या फिर आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो ऐसा ही नंबर आने वाला है, ठीक है। ऐसा जो नंबर जहाँ पे आपको बार बार नंबर ना खत्म होने वाला चलते ही ऐसा डिवीजन, और वहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, तो इसी तरह डिवीजन को कहता है नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग। आप पहले मानो कि 22/7 को डिवाइड करोगे तो रिपीट होगा ये, ठीक है, ऊपर में 22 नीचे 7, इसे P बाय अपॉन Q, ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, ये नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग हो, मतलब नॉन ये ना खत्म होने वाला लेकिन रिकरिंग। लेकिन ये जो √2 है, √5 प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये सारे कोई भी नंबर ना खत्म होने वाला नंबर होता है, ठीक है, और इसका नंबर रिपीट भी नहीं होता है, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट होने वाला ना तो पूरी तरह डिवाइड होने वाला, ठीक है। ये जो नंबर होता है इसे इरेशनल नंबर कहता है। क्यों कहता है ये हमें लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। ये नंबर जो जैसे ऐसा नंबर पाई जो होता है, ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है। ऐसा जो नॉन ना खत्म होने वाला डिवाइड में आएगा और ना तो रिकरिंग में आने वाला डिवाइड में आएगा, इसे कहता है आपको आप कहेंगे इसे NTNR, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। आप देखिए हम किस तरह 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 नंबर को, डिसिमल नंबर को रेशनलाइज करते हैं, मतलब P अपॉन Q आखिर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और P अपॉन Q को भी किस तरह डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक डिसिमल नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, ये जो 0.3 बार इसको इस तरह लिखा जाता है 0.33... ये ना खत्म होने वाला एक डिवीजन है, इसीलिए इसे नॉन टर्मिनेटेड नंबर बोलते हैं ये। अब देखो ये इस नंबर को अगर ये डेसिमल आकार में है, इसे अगर रैशनल नंबर के आकार में लिखना चाहते हैं, मतलब ये नंबर पहले क्या था, एक्चुअली ये नंबर पहले था 1/3, ठीक है। इस 1/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आते हैं 0.033... इसे हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। आप देखो तो इसी को फिर हम ऐसा अगर नंबर में रहेगा तो उसको हम किस तरह फिर रैशनल नंबर, मतलब P अपॉन Q आकार, ये देखो वो ऊपर 1 नीचे 3, मतलब P अपॉन Q आकार में किस तरह लिखेंगे, इसको देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो नंबर x इक्वल टू 0.33 बार है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.33... इसका नंबर दो, एक नंबर दो,
और इस बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, हाँ ठीक है आ गया। अब इसका नंबर दो, दो तो एक दो नंबर से एक नंबर घटा दो। देखो ऐसे 10x से x घटा दिया, तो सब्ट्रैक्ट का साइन मैंने दिया नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे लेट डू 2 माइनस 1। मतलब दो नंबर इक्वेशन से एक नंबर इक्वेशन को घटाने के बाद 10x से x घट जाएगा तो 9x बचेगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो ये सारे चीज घट जाएगा इस साइड का, और ये 3 3 बचेगा यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको ठीक है। हाँ आप 9x = 3 आया, तो x = 3/9, x = 1/3 ऐसा करके आप खुद कोशिश कर सकते हो। जैसे कि 0.7 बार, 0.6 बार, देखो तो आपका नंबर किस किस तरह आते हैं। अब आंसर चेक करने के लिए क्या करोगे, ये 1/3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं पता है ना तुम्हें, वो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। कैलकुलेटर में भी करके देखो यही नंबर आने वाला है, ये 0.333333, और इसे हम लिखते हैं किस तरह 0.3 बार ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई ये चीज़, ये तरीका है रैशनलाइज करने का ठीक है। और एक रैशनलाइज आपको दिखाएंगे हम, जैसे कि हम आपको बताया था और एक रैशनलाइज दिखाएंगे इस ये नंबर पे थोड़ा सा देखो 0.15 है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये 0.15 की अगर ये पूरा लंबा बार लगाया मैंने यहाँ पे ऐसा डॉट होता ठीक है, ऐसा डॉट होता मानो कि ये देखो 1 0.15 ठीक है, ये डॉट ऐसा होता तब भी होता ऐसा, इसका मतलब सेम है। और मानो कि कोई नंबर अगर ऐसा होगा 0 1 0 5 बीच में कोई भी नंबर हो ठीक है ठीक है, और यहाँ पे भी डॉट, तो आपको मानना पड़ेगा ये पूरा बार बार रिपीट होने वाला है ये नंबर है ठीक है। अच्छा दूसरा बात मानो कि ये नंबर ये 10 तक ये है, और इस जाके यहाँ पे है, मतलब 10 तक आपको ऐसे ही आएगा, बाद में 5 बार बार रिपीट होगा, तो ये बात आपको जानना पड़ेगा अच्छी तरह ठीक है। और याद रखना आपको ये बात याद रख, जहाँ पे जाके ये जितने दूर तक आपका ये डेसिमल पड़ेगा, 1 2 3 के बाद डेसिमल पड़ा है, तो जितने दूर तक, जैसे शुरू का सवाल में मैंने क्या किया था, ये ऐसा था शुरू का सवाल ऐसा था 0.3 बार ठीक है। तो मतलब उसमें देखो पॉइंट के बाद कितना घर है, एक घर, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा इसके बाद पॉइंट के बाद कितना घर है, एक दो, दो नंबर के बाद बार है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। इस नंबर में पॉइंट के बाद 1 2 3 घर है, इसलिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप देखो किस तरह किया है मैंने, यहाँ पे x = अगर इस नंबर को मैंने मान लिया 0.15 बार को मैंने क्या मान लिया कि x, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x = 0.15 15 15 डॉट डॉट डॉट, इसका नंबर देते हैं 1, और इसको बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल दो घर साइड में पुश हो जाएगा, तो 100x = 15, वो ऐसे ही ऐसा करके ये बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसका नंबर देंगे 2। अब 1 से 2 की किस तरह घटा रहा हो, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, 0.15 तो ये होल नंबर में आ गया, और ये जो ये इसका साइड डेसिमल का साइड, डेसिमल साइड का घटा दोगे तो आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99x = 15 आएगा, तो x = 15/99, 5/33 जो आप p अपन q आखिर में आ गया देखो। और इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को अगर फिर से डिवाइड करोगे 5 को 33 से, तो आपको मिल जाएगा ये वाला नंबर ठीक है, ये 0.151515, इसको हम इस तरह लिख सकते लिखते हैं। ये तरीका है रैशनलाइज करना, किसी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ठीक है। आप मैंने आप डिवाइड करने के बाद आप रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये है। इस बाद आप दिखाएंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है वो क्यों उसे इरेशनल नंबर कहता है ठीक है। देखिए ये जो रूट टू को मानो कि नंबर इरेशनल नंबर रूट टू है, और आपको पता है रूट टू का जब हम कैलकुलेटर में या फिर डिवीजन मेथड से इसको अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 1.41213 डॉट डॉट डॉट, ये ना खत्म होने वाला नंबर, और कोई रिकरिंग रिपीट भी नहीं होगा, इसीलिए नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ठीक है, NTNR। तो आप देखिए इसी नंबर को अगर आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है ये पॉइंट के लिए आपको नीचे 1 लेना पड़ेगा, और पॉइंट के बाद जितने घर है उसके लिए इतना 0 लेना पड़ेगा। ये जो बात है पॉइंट
पॉइंट के बाद कितने घर हैं ये तो हमें पता नहीं ना, क्योंकि चलने वाला डिवीजन होगा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम जैसे रैशनलाइज किया था वो बार वाला नंबर में, इसलिए यहाँ पे बार भी नहीं लगा सकते आप। इसीलिए जो डिवाइड नीचे में जीरो भी बढ़ते चलेगा और ऊपर का नंबर भी बढ़ते चलेगा, इसीलिए ये ना जो डिवीजन होगा एक अनडिफाइंड डिवीजन होगा, और ये वजह है इसको कहता है इरेशनल नंबर, मतलब ये इसका कोई रैशनलिटी नहीं है, वास्तवता नहीं है, मतलब ये रियल में चलते नहीं है ऐसा चीज़। लेकिन ऐसा नंबर को अगर आप वास्तव में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये इसका वैल्यू या तो ऐसा लेना पड़ेगा, ये 1.412 3 डेसिमल तक, और 2 डेसिमल तक 1.41 ले सकते हो, 1 डेसिमल तक 1.4, मतलब नज़दीक नंबर नियरेस्ट वैल्यू आप ले सकते हो इसका। तो ये वाला बात है क्यों इसे एक इरेशनल नंबर कहता है, क्योंकि इसका जो हम जब इसको रैशनल नंबर बनाएंगे इसे रैशनलाइज होगा नहीं, मतलब पी अपॉन क्यू आकार में ये कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बढ़ते चलेगा ऊपर भी नीचे भी बढ़ते चलेगा, ये वाला बात है। उसमें आपको दिखाते हैं किस तरह ये ऐसा डेसिमल नंबर को जो कि पूरी तरह कंप्लीटली मतलब टर्मिनेटेड है, ठीक है, ऐसा नंबर जैसे 0.25, आपको पता है 1.4 को 1/4 को अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला नंबर आता है, और इसी नंबर को रैशनल है पी अपॉन क्यू आकार में लिखेंगे तो आपको पता है बहुत ही आसान, छोटे क्लास में सिखाया जाता है ये 25/100 ऐसे लिखेंगे, जिसे इसे काट के तो 1/4 आएगा, इसलिए हम लास्ट में उसको बता रहे हैं आपको। तो आपको अच्छा लगा है अगर ये वीडियो, और तो दूसरे को इसे शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।